फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल माधुरी डेकोर्स। और मैं हूं आपकी फ्रेंड माधुरी। आज रेसिपी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई खास रेसिपी शेयर कर रही हूं, लेकिन ये एक मस्ट हैव थिंग इन फ्रिज और इन किचन है, जो कि हमें झटपट से खाना बनाने में और टेस्टी टेस्टी खाना बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है। ये वीडियो है जिंजर गार्लिक के पेस्ट के बारे में। तो एक पॉजिटिव नोट आपके दिन के अच्छे शुरुआत के लिए। और यहाँ मैंने लिया है लहसुन। यहाँ मैंने एक छोटी कटोरी लहसुन की कलियाँ ली है, जिसका छिलका मैंने उतार के वॉश करके रख लिया है। और इतना ही इसी लगभग बराबर मैं जिंजर भी ली हूँ, जिसके छिलके को उतार के धो के रख ली हूँ। और यहाँ मैं इसे अपने ग्राइंडिंग जार में डाल रही हूँ। आप चाहें तो चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रख के कर सकते हैं चॉप जिंजर को। ये बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट से थे, इसलिए मैं हाथों में ही लेकर के कर ले रही हूँ। और इसे मैंने फिक्स किया अपने मिक्सर ब्लेंडर के ऊपर। और इसे मैंने पानी बिल्कुल ना डालते हुए ग्राइंड कर लिया। और यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वाइट ऑयल। ये वाइट ऑयल एक स्पून मैंने डाला। इससे क्या फ़ायदा हो जाता है फ्रेंड्स, जब आप उसे 10 से 15 दिनों के लिए स्टोर करेंगे, फ्रिज में भी रखेंगे, तो उसका हल्का रंग चेंज हो जाता है और कालापन लिए हुए हो जाता है, तो उसकी फ्रेशनेस बनी हुई है ऐसा नहीं लगता है। इसलिए इसमें मैंने ऐड किया एक चम्मच वाइट ऑयल। तो मैंने यहाँ एक चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला और 2 चम्मच पानी डाला, और डाल करके फिर इसे ब्लेंड करके रख लिया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्मूथ पेस्ट बना है। अगर आप जिंजर गार्लिक पेस्ट बना रहे हो तो कोशिश यही करें कि जिंजर थोड़े सॉफ्ट, जो ताज़े जिंजर हो वही यूज़ करें। यहाँ देखिए, आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा स्मूथ पेस्ट बना है। बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, अगर आप पानी डालेंगे तो पेस्ट में से फ्रिज में भी आप रखेंगे तो वो पानी सेपरेट होने लग जाएगा। और यहाँ मैंने एक एयर टाइट कंटेनर लिया है, जिसको अच्छे से वॉश करके सुखा लिया है। और अब इसमें ये जिंजर गार्लिक पेस्ट को डाल दे रही हूँ। ये मेरे लिए 12 से 15 दिन के लिए काफ़ी है। बहुत सारे मसालों में मैं ताज़ी लहसुन को पीस के डालती हूँ, लेकिन कभी कभी जब सुबह लंच प्रिपेयर करके देना रहता है या ब्रेकफास्ट बनाने की जल्दी रहती है, उस समय अगर हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाने लग जाएँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसीलिए मैं इसे पहले से बना के फ्रिज में 10-15 डेज के लिए स्टोर करके रख लेती हूँ। और अगर आपके लिए ये हेल्पफुल है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, और कमेंट ज़रूर करके बताएं, मेरे इस वीडियो को शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस भी कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको झटपट से मिल जाएं। तब तक के लिए बाय बाय।